दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। और यहाँ पे कल एक जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो है परीक्षा को लेकर यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया था, तो उसके बारे में मैंने आपको कल ही इन्फॉर्मेशन दे दिया था अखबार में, तो आज आ रही है। मैंने आपको बताया था अखबार में इन्फॉर्मेशन बाद में आती, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैं जो हूँ बिल्कुल आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ यहाँ पर वीडियो के द्वारा। जो आपने देखो हर यूट्यूबर जो है बता रहा है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी, सब बकवास। मैंने आपको बताया यहाँ पर देख लीजिए फेक न्यूज़ था यहाँ पर जो है पुलिस कांस्टेबल भर्ती का, अभी कोई ऐसा न्यूज़ है वो न्यूज़ नहीं आया था, इसके बारे में जानकारी मैंने आपको कल दे दिया था यहाँ पर जो, और जिसके बारे में जानकारी यहाँ पर भी आप ये जो है वो पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख तय होने का जो है फर्जी पत्र जो है वो प्रसारित इसमें हो रहा था, ठीक है, तो प्रसारित हो रहा था, इसके बारे में जानकारी आपने देख लिया। यहाँ पर जो है इसमें इंटरनेट मीडिया जो है सोशल मीडिया यहाँ पर जो वायरल हो रहा था, यहाँ पर 29 और 30 जून को जो लिखित परीक्षा कराने की बात कही गई थी, जिसको लेकर चर्चाएं फैल चुकी। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है 60,000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अंतर्गत यहाँ पर जो 18 फरवरी को जो परीक्षा कराई थी वो रद्द हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 50 लाख अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा था इसके अंतर्गत, तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो है ये कि यहाँ पर जो है उसको रद्द करके जो अखबार में तो अब आ रही है इसकी जानकारी मैंने आपको रात में ही इन्फॉर्मेशन दे दिया था। बात करें यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी की तरह आपने देखा हो यहाँ पर जो वीडियो भर्ती हुई थी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की, तो वहाँ पर लिखित परीक्षा जो इन्हीं आरोपी जो है सोलपुर तक कराई गई थी। यहाँ पर सोलपुर उठाने वाले 2 गिरफ्तार हो चुके हैं और 1 फरार इसमें चल रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यहाँ पर जो है ये कि यहाँ पर भिन्नता पाई गई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, उनका जो है रेटिना भी जो है डिसमैच हो रहा था, आयोग के कर्मचारी इसमें जो है उनमें जो है इस तरीके से आप ये देख लीजिए पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ये। और जिसके बारे में जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी की सबसे बड़ी खबर यही है कि वीडियो की भर्ती परीक्षा में जो है आशीष ने बिठाया सॉल्वर, तो वहाँ पर तो देख लीजिए यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जून 2023 में जो ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा गई थी, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो है बायोमेट्रिक और जो है आईएसएस मिलान में जो पकड़ा गया, और यहाँ पर 2 आरोपी इसमें हिरासत में भी हैं। ये जानकारी यहाँ पर दी गई, यहाँ पर जो है देख सकते हैं यहाँ पर सत्यापन में ये सामने जो है मैटर यहाँ पर सामने आ गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर सुदर्शन और साथ में जो आशीष ने बायोमेट्रिक भिन्नता इसमें पाई गई है सत्यापन के वक्त यहाँ पर जो, और वो लेटर ये था यहाँ पर भी देख लीजिए यहाँ पर जो है ये पूरी तरीके से फेक लेटर था। ये बात करेंगे आप जो है उत्तर प्रदेश लोकसभा की तरफ से यहाँ पर जो है सीधी भर्ती के जो पदों पर जो आयोग ने जारी कर दिए परिणाम, कहने मतलब कि उत्तर प्रदेश लोकसभा का जो परिणाम वो जारी हो चुका है, आपने फॉर्म भरा हुआ तो यहाँ पर जो है आयोग के द्वारा जो है वो इसका रिजल्ट आ चुका है। वो रिजल्ट किसका यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं जो परिवार कल्याण विभाग की तरफ से यहाँ पर जो ग्रेड 2 के जो है 14 मई को साक्षात्कार इसमें जो है वो हुआ था, तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी इसमें आ चुका है, यहाँ पर भी देख लीजिए यहाँ पर जो है ये। और यहाँ पर एक बात और बताएगी यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो विश्वविद्यालय को PhD में प्रवेश के लिए जो है नहीं कराना होगा RTE, ठीक है, तो यहाँ पर जो नेट के आएंगे 3 परिणाम, फेल अभ्यर्थी भी कर सकेंगे PhD, कहने मतलब वही चीज़ कहने मतलब क्या है कि विद्यालयों को हर जो है वर्ष इसमें RET रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कराना होता है, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इसके लिए जो है आपको जो राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा, आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नेट के बजाय अब परिणाम 3 आएंगे जिसमें आप GRF क्वालिफाइड होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप PhD कर सकते हैं यहाँ पर जो है ये। और यहाँ पे बताया गया इसमें जो राज्य विश्वविद्यालय में कर सकेंगे 4 वर्षीय जो स्नातक और 1 साल का जो PG कोर्स NEP के अंतर्गत यहाँ पर जो है ये 2 साल के बाद भी इसमें मिलेगा डिप्लोमा यहाँ पर जो है। और यहाँ पे बताया गया इसमें संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से जो है 459 पदों पर जो है इसमें जो है CDS के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है 4 जून 2024 की लास्ट डेट यहाँ पर जो ग्रेजुएशन डिग्री यहाँ पर जो है, ठीक है, ऑफिशियल जो है वो साइट ये दे रखी है, यहाँ पर जाकर वाला फॉर्म जो है भर सकते हैं, पर हाँ लास्ट डेट याद रखिएगा यहाँ पर जो है 4 जून 2024 तक इसके अंदर फॉर्म भर दीजिएगा। और यहाँ पर बताया गया इसमें जो है कि 12वीं के बाद जो शुरू कर सकते हैं IAS की तैयारी, यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। और थंबनेल में जैसा कि आपने देख लिया हुआ अनमेरिड वाले जो हैं चाहे अनमेरिड मेल हो या फीमेल हुई वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो ये, और जिन्होंने अगर जो 10+2 कर रखा मैथमेटिक्स और फिजिक्स में तो उसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, मेरिट वाले अनमेरिड वाले ही इसके अंदर फॉर्म डाल पाएंगे। यहाँ पर जो है इंडियन नेवी की तरफ से वैकेंसी इसमें जो है इसमें आ चुकी है, मैं आपको बता रहा हूँ जो अनमेरिड है इसके अंदर फॉर्म भर दीजिएगा, डेट चल रही है और एज लिमिट की एक कंडीशन वगैरह यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है, और यहाँ पर जो सैलरी वगैरह जो है पहले साल में इसमें 30,000 रुपये इनको दिए जाएंगे और दूसरे साल में 33,000 रुपये दिए जाएंगे और तीसरे साल में 36,500 रुपये और चौथे साल में 40,000 रुपये चलेंगे बस, इसके बाद 4 साल के बाद ये जो है आगे रिन्यू होंगे या नहीं होंगे कुछ पता नहीं, अग्निवीर भर्ती के अंतर्गत यही सिस्टम होता है और आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो है ये 4 साल की नौकरी होती है, इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है सब कुछ पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए जो आप जो है इसकी ऑफिशियल जो है वेबसाइट से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये रही इसकी ऑफिशियल साइट, यहाँ पर जाकर ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। बहुत बच्चे कहेंगे सर इसके अंदर जो अग्निवीर भर्ती के अंदर लास्ट डेट कौन सी, लास्ट डेट यहाँ पर देख लीजिए अभी 27 मई 2024 चल रही है, 10+2 अगर आपने कर रखा तो उसके अंदर फॉर्म अनमेरिड वाले जो है भर सकते हैं यहाँ पर जो है।
आप यहाँ पे जो है वो देख लीजिए, यहाँ पे जो है रायबरेली और बनारस का नाम आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे 20 मई 2024 ये भी लास्ट डेट चल रही है, अभी है, अभी आपके पास लास्ट डेट चल रही है। यहाँ पे जो 20 मई 2024 तक जो है इसकी लास्ट डेट का फॉर्म भर सकते हैं। ये बात हो रही है इसमें जो लैब असिस्टेंट की, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए रायबरेली कैंपस है ये आपका, लैब असिस्टेंट की भर्ती इसमें चल रही है। और ऊपर आएंगे और ऊपर यहाँ पे जो है ये बनारस कैंपस की तरफ से वैकेंसी आई है लैब असिस्टेंट की भर्ती, ठीक है। तो ये बनारस की तरफ से है, यहाँ पे कैंपस का नाम देख लीजिए, यहाँ पे जो कैंपस का बनारस हो गया ये, और तो और ये आपका रायबरेली कैंपस हो गया। रायबरेली कैंपस से भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। ऑफिशियल जो है ये आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है आपका जो है यहाँ पे जो है आपका फैशन डिजाइनर जो कंपनी है ना इंस्टीट्यूट है यहाँ पे जो वहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है। और हाँ, फॉर्म कैसे भरना, फॉर्म जो ऑफिशियल जो है वेबसाइट ये देखिए, यहाँ पर जाकर ये वाला फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। और यहाँ पर जो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो रेल के अंतर्गत यहाँ पर रेलवे का नाम आपने सुना ही होगा, रेलवे के यहाँ पर टीचर वैकेंसी इसमें आ चुकी है। यहाँ पर जो है फिलहाल ये वैकेंसी जो है पार्ट टाइम टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये, पर हाँ सैलरी अच्छी खासी इसमें दी जाएगी। यहाँ पर आपने देखा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी वाले जो है ये, और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो वैकेंसी चल रही है जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो है ये, और इसमें सैलरी बात करेंगे 27,500 रुपये सैलरी दी जाएगी, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये वाला फॉर्म आपको जो है भरना है, ये वाला फॉर्म मैं आपको थोड़ा इसके वो कर दूँ, यहाँ पे ये वाला फॉर्म भरना है। ये वैकेंसी जो निकाली गई है अपनी इंडिया की थी है वैकेंसी, पर आपको उत्तर प्रदेश की नहीं है, यहाँ पर ये डिवीजन यहाँ पर जो है आपको रतलाम कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में वैकेंसी यहाँ पर जो है वो आ चुकी है। फोटो यहाँ लगाइएगा, पूरा फॉर्म भर के आप इंटरव्यू देने जाइएगा यहाँ पर जो है, ठीक है। और ये सिग्नेचर आप जरूर करिएगा यहाँ पर जो, डेट और प्लेस यहाँ पर जो है जरूर लिख दीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 7th पास अगर आपने कर रखा है, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर 7th क्लास अगर आपने पास कर रखा है तो यहाँ पर जो है ये कैंटीन के अंतर्गत यहाँ पर जो जर्नल वर्कर की वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पर भी देख लीजिए यहाँ पर जो है कैंटीन के अंतर्गत यहाँ पर जो है वैकेंसी इसमें आ चुकी है। और तो और यहाँ पर जो है 7 तारीख को इसका विज्ञापन आया था, डेट अभी चल रही है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो 22 मई 2024 तक इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा वैकेंसी 1 है 2 है 3, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं देखता हूँ कभी कभी 1-2 के चक्कर में कोई फार्म भरता ही नहीं, जो फार्म भर देता इक्का दुक्का लोग फार्म भर दें सिलेक्शन उनका हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर डेट याद रखिएगा 22 मई तक, ठीक है। और तो और यहाँ पर जो है ये यहाँ पर देख लीजिए पूरा करना है। और आपको जो फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म जो ऑफिशियल जो है वेबसाइट ये रखी है, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई इस वाली जो है साइट पर जाकर ये वाला फॉर्म जो आप जो है वो भर सकते हैं। यहाँ पर जो है बात करते हैं आप जो कमेंट की, एडिट कॉलेज के अंतर्गत देखो थंबनेल में जो चीज़ लिखता हूँ ना वही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, थंबनेल का सभी कमेंट का रिप्लाई। 16 मई को हुआ था सर मुझे मौका मिल सकता है, देखो इनका इंटरव्यू था पर ये जो गए नहीं इंटरव्यू देने, तो देखो मैंने जो है फ़ोन नंबर बताया हुआ है इस वाले है ना, इस वाले जो है वीडियो पर जो कल का वीडियो है इसमें फ़ोन नंबर दिया, फ़ोन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा इंटरव्यू छूट चुका है, इंटरव्यू आया था इसमें एडिट कॉलेज के अंतर्गत चपरासी भर्ती परिचारक का, और इंटरव्यू मैंने नहीं दिया तो मैं क्या इंटरव्यू दोबारा दे सकता हूँ, फ़ोन नंबर आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये भैया तो वीडियो आपको जरूर देखना, आप तो पुराना वाला उसी में नंबर दिखाया गया, मैंने इस वाले वीडियो में नंबर दिखाया गया, इस वाले वीडियो में नंबर दिया कंपनी का, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। चैनल भैया नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करें प्लस। थैंक यू वेरी मच।